हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको 80-90 के दशक के महान चरित्र अभिनेता मनोहर सिंह तो याद ही होंगे, मगर आपको उनकी दर्दनाक मौत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। चलिए हम आपको उनके जीवन की ही नहीं अंत की जानकारी भी देते हैं। हिंदी सिनेमा में कुछ ही चरित्र अभिनेता ऐसे हुए जिन्होंने सिनेमा में 4 चांद लगा दिए। मनोहर सिंह भी उनमें से एक थे। शिमला में एक छोटा सा गांव है क्वारा। मनोहर यहीं पर 12 अप्रैल साल 1938 में पैदा हुए थे। शुरू से ही उनके भीतर एक कलाकार बसा करता था। वहां छोटे मोटे नाटकों में हिस्सा लेकर वो बड़े हुए। पढ़ लिख कर हिमाचल के ही नाटक विभाग में सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। कुछ साल नौकरी करने के बाद भीतर का कलाकार और ऊंचाइयां छूना चाहने लगा। इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और 1968 में सीधा पहुंच गए दिल्ली। यहां उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला ले लिया। 3 साल तक वो अभिनय और निर्देशन की बारीकियां सीखते रहे। 1971 में ग्रेजुएट होकर निकले तो इतना हुनर आ गया कि दिल्ली में ही NSD की रिपर्टरी कंपनी के लिए नाटकों के डायरेक्शन की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद तो मनोहर जी को 1976 में NSD की रिपर्टरी कंपनी का प्रमुख ही बना दिया गया। ये जिम्मेदारी उन्होंने साल 1988 तक संभाली। मगर अभी दुनिया के सामने हिंदी सिनेमा पर छाना बाकी था। 1978 में अभिनेता को इमरजेंसी पर बनी फिल्म किस्सा कुर्सी का में अभिनय करने का मौका मिल गया। पहली ही फिल्म से उन्होंने अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि वो सबकी नजर में आ गए। कुछ सालों बाद गोविंद निहलानी ने उनको अपनी फिल्म पार्टी में अभिनय के लिए बुलाया। डायरेक्टर प्रकाश झा भी इनके मुरीद हो गए। 1985 में फिल्म बनाई दामोल, तो इसमें मनोहर जी को बेहतरीन रोल दिया। वहीं 1986 में आई फिल्म तमस में हयात बख्श की भूमिका से तो अभिनेता ने सबका दिल जीत लिया। 80 और 90 के दौर में अक्सर इन्हें भ्रष्ट राजनेता या मंत्री या फिर घूसखोर पुलिस अफसर के किरदार मिला करते थे, मगर अपने बेजोड़ अभिनय से वो इन किरदारों में भी जान फूंक देते थे। उनकी कुछ यादगार फिल्मों की बात करें तो इनमें मैं आजाद हूँ, डैडी, एक दिन अचानक, चांदनी, लेकिन, लम्हे, सड़क, रुदाली और तिरंगा थी। तिरंगा में मंत्री जीवनलाल टंडेल की भूमिका में तो ये बड़े बड़े अभिनेताओं के बीच अपना रंग जमाते नजर आए। टीवी पर भी मनोहर सिंह जी ने खूब नाम कमाया। राग दरबारी, मुल्ला नसरुद्दीन से लेकर पलचिन जैसे कितने ही नाटकों के जरिए ये घर घर में पहचान बनाने में कामयाब हो गए। निजी जीवन की बात करें तो इनकी शादी निर्मल नाम की लड़की से हुई थी। इनकी 2 बेटियां हैं, मीना और रचना। इनका एक बेटा भी है। दोस्तों, इतने महान चरित्र अभिनेता का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। मनोहर जी 58-59 साल के रहे होंगे। इनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी। सांस लेने में परेशानी होती और शरीर में जान ही नहीं लगा करती थी। पहले तो उनको लगा कि कमजोरी होगी, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। मगर जब परेशानी बढ़ने लगी तो वो डॉक्टर के पास पहुंचे। वहां चेकअप हुआ और रिपोर्ट सामने आई तो हर कोई चौंक उठा। अभिनेता को फेफड़ों के कैंसर ने घेर लिया था। कैंसर उनके शरीर में धीरे धीरे फैलता जा रहा था और उनको कोई खबर ही नहीं थी। जब खबर हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर भी मनोहर जी का इलाज शुरू हुआ, मगर धीरे धीरे उनकी हालत काफी बिगड़ने लग गई। आखिरी समय में तो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। वो काफी परेशानी में जिंदगी जी रहे थे। इसी बीच इनकी पत्नी निर्मल को भी कैंसर हो गया और सितंबर 2002 में उनकी मौत हो गई। इसके बाद से मनोहर जी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। इलाज के बाद भी कैंसर फैलता गया और नवंबर 2002 में उनकी हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ले जाया गया। यहां उनको बचाने की बहुत कोशिश की गई, मगर 14 नवंबर के दिन 63 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। सिर्फ 2 महीने के भीतर ही कैंसर ने
मनोहर सिंह और उनकी पत्नी निर्मल दोनों की जान ले ली थी। दोस्तों, मनोहर सिंह जी की कोई फिल्म या किरदार आपको याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।